समझ गया यार भाई, ज़रूरत से ज़्यादा यार मैं परेशान हो चुका हूँ यूट्यूब के पीछे। और बताओ, पूरा एक साल से ऊपर हो चुका है और अभी तक कोई रिस्पांस मुझे नहीं मिल पाया है यूट्यूब पर। और आजकल मैं कई दिनों से ब्लॉग भी नहीं दे पा रहा हूँ टाइमली। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल राइडर रूपी सैतज में। तो क्योंकि अब नेपाल बॉर्डर भी ओपन हो चुका है, मतलब कैसे भी करके आप जैसे चाहें वैसे जा सकते हैं। तो आज हम चलते हैं उधर ही नेपाल साइड में। अब कहाँ पर जाएंगे ये भी आगे चलकर हम डिसाइड करते हैं, लेकिन जाएंगे जरूर आज हम और आप सबको अच्छा व्यू दिखाएंगे। तो चलते हैं और वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ये जो गाड़ी देख रहे हैं इससे हम आज चल रहे हैं बढ़ी। हमने कहा था कि नेपाल का ब्लॉग दिखाएंगे, तो आज हम नेपाल चल ही रहे हैं। खोल भाई, खोल जल्दी गाड़ी खोल। इसमें देख सकते हैं हमारे इमरान भाई उर्फ पप्पू हैं, और उधर देख सकते हैं नसीम जो खास ड्राइवर, और हमारा ये ही अपना महेंद्र भाई तो चल रहे हैं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है और आप लोग पूरा देखिएगा। यह है पचपड़वा मार्केट, और पचपड़वा से अभी हमें चलना है कम से कम 15 से 16 किलोमीटर बढ़नी के लिए। तो बढ़नी ये लोग क्या करने जाते हैं अभी हमने बताया नहीं आप सबको। तो बढ़नी हम लोग जा रहे हैं, बढ़नी यहाँ से भी 4-5 किलोमीटर और बचा है। ये गाड़ी कैसी चल रही है यार, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ चल रही है आज, कुछ है होने वाला जरूर है आज, क्या है कुछ पता नहीं, चलो देखते हैं आगे। तो वहाँ पर हम लोगों को जूता लेना है। तो ये आप गाड़ियाँ जो देख रहे हैं गाड़ियाँ सब नेपाल जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की गाड़ियाँ हैं, हमेशा आपको ऐसे ही दिखेंगी। हम बढ़नी पहुँच गए हैं और ये बढ़नी का मार्केट है। तो सीधे अब अंदर की तरफ चलते हैं। इधर आप जाएंगे तो इटवा जाएंगे और इधर अंदर की तरफ नेपाल जाएंगे। आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत भी है यहाँ का, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों, बस थोड़ी ही देर में हम कृष्णनगर बॉर्डर पर एंट्री मारने वाले हैं, और ये मेन वाला रोड हमने छोड़ दिया है, अंदर से होकर जाते हैं। एक दूसरा रूट है क्योंकि काफ़ी जाम लगा हुआ था, इसलिए बढ़नी और कृष्णनगर बॉर्डर पर काफी अच्छी अच्छी दुकानें हैं। यहाँ पर हर ब्रांड की जूते यानी शूज मिल जाएंगी आपको, आप जैसा भी चाहेंगे वैसा मिल जाएगा। तो ये हमारे नसीम भाई ने एक शूज पसंद किया है रिबॉक का, काफी अच्छा है और बढ़िया है। आप जो ये बिल्डिंगें देख रहे हैं, ये बिल्डिंग कृष्णनगर में है, यानी हम जहाँ पर खड़े हैं ये बढ़नी मार्केट है यानी बॉर्डर है। तो दोस्तों, अभी अंदर ये लोग हैं, और अभी एक बंदे को अभी जूता नहीं समझ में आया, तो वो भी देख रहा है, काफ़ी जूता निकलवा लिया है लेकिन समझ में आ ही रहा। 3 दिन से सारा जूता खरीदने आए थे लोग। भाई लोग आए थे यहाँ पर जूता लेने, लेकिन हमारे साथ जो इमरान रहता है, इमरान 3 दिन से कभी बलरामपुर, कभी बढ़नी, कभी पचपड़वा, लेकिन आज इसका फाइनल हो गया, इसने जूता ले लिया। दिखा दे इसको, ये देखिए ये कागज। और उस दिन जुड़ रहा था 1000 रुपये वाला, लेकिन आज दिया है 4000 रुपये का जूता। तो भाई जिसके पास पैसा वो लेगा ही, और मैं था, हम तो बस ऐसे देखते रह गए, ना मेरे पास था ही ना मैंने लिया। तो अब चल रहे हैं, हम भी सोच रहे थे कि यार जूता ले ले, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। तो फिर भी ये 400 रुपये वाला जूता मेरा है, मैं यही पहन के काम चलाता हूँ अपना, जब मेरा यूट्यूब से पैसा आएगा तब तो हम खरीदेंगे। चलते हैं फिर यहाँ से निकलते हैं भाई, काफ़ी टाइम हो गया है, क्या करने के लिए निकले थे और कहाँ पहुँच गए घर के तरफ। और इसकी वजह से समझ लीजिए हम निकले थे घर से कॉमेडी वीडियो शुरू करने के लिए, लेकिन ये बंदा मुझे बढ़नी लेके चलाया, और यार 3 दिन से सिर्फ जूता ही ढूंढ रहा है, कभी बलरामपुर, कभी पचपड़वा, कभी बढ़नी, कभी बलरामपुर, कभी पचपड़वा, कभी बढ़नी, कंटिन्यू 3 दिन से यही काम हो रहा, लेकिन आज इसका फाइनल हो गया, जूता ले लिया 4000 रुपये का, हमने भी बताया वीडियो में। तो यहाँ से निकल रहे हैं, बढ़नी से आने के बाद में हमारे भाई लोग चल रहे हैं डेक्ची में कबाब पराठा खाने के लिए, और कुछ होगा तो वो भी खाएंगे। तो अभी हम चल रहे हैं डेक्ची रेस्टोरेंट पर। तो भाई लोग पहले अंदर चले गए, बस हम भी चल रहे हैं, लेकिन यार आज समझ में नहीं आ रहा कि कितना भीड़ भाड़ है। ये देखिए, शायद कोई लग रहा है नेता होता आया है, कुछ है ज़रूर, लेकिन हमें क्या, चल रहे हैं वहाँ डेक्ची पर हम,
तो यार भाई डेक्ची से चल रहे हम लोग दूसरी जगह, क्योंकि यहाँ पर अभी मटेरियल थोड़ा तैयार नहीं है, पीसा बता रहे हैं, तो टाइम लगेगा, तो यहाँ से चल रहे दूसरी जगह। बार बार भाइयों का प्लान चेंज हो रहा है, देखते हैं क्या होता है। तो भाई ऑर्डर कहाँ किया यार? नहारी रोटी। हाँ, नहारी और गर्मा गर्म रोटी। तो मजा आ गया यार भाई, आज मजा आ गया, सही बताई थे। कभी कभी यार मैं गलत डिसाइड ले लेता हूँ, जो चीज़ नहीं करना चाहिए वो भी मैं कर जाता हूँ। खैर कोई बात नहीं, तो यहाँ पर खाना खाए और अब यहाँ से हम चल रहे हैं भैया जहाँ हमारी बाइक है कुल्ही गांव में। बाइक लेते हैं, अगर समझ में आएगा तो फिर जाएंगे कॉमेडी वीडियो बनाने के लिए, नहीं तो फिर सीधे हम अपने घर वापस आ जाएंगे। तो भाई लोग आप लोग देख के बताइएगा कि मतलब बाल कैसा कटा है। ये भाई हमारे काटते हैं और यहाँ पर करीब हम 2 महीने से अपना बाल और दाढ़ी करवाते हैं। जो सिसवा मेला के नहर पर इनका दुकान है, कुछ दिन में इनका ढाबली भी हो जाएगा यहाँ पर। अभी बस ऐसे ही देख सकते हैं पल्ली वल्ली तान कर कर रहा भाई। तो कुल मिलाकर आप ने देखा कि मतलब काम काफ़ी अच्छा है भाई का। 30 रुपये बाल का लेते हैं, 20 रुपये दाढ़ी का लेते हैं, और अगर बड़े सैलून में जाओगे तो समझ जानते हैं कि कितना लगता है, 100, 150, 200, 500 तक ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पर चार्ज बहुत कम है। अगर आप लोकल के हैं तो आइए भाई के दुकान पर और यहाँ पर अपना बाढ़ी दाल करवाइए, काफ़ी कम दाम में और अच्छा काम मिल जाएगा आपको। तो यहाँ से अब चलेंगे हम बड़ेपुरवा मार्केट और वहाँ पर साग सब्जी लेना है, साग सब्जी लेने के बाद में फिर घर जाना है। तो भाई ये देख सकते हैं हमने सब्जी भी खरीद ली है और जो ढूंढ रहे थे वो मिला नहीं मार्केट में, तो जो मिला है वही लेके चल रहे हैं, क्या करें, चलते हैं घर अब सीधे। और अभी मुझे पचपवा भी जाना है एक बार। भाई मेरे कसम से काम पे काम, काम पे काम, यानी आज मैं पूरा दिन रुका नहीं हूँ, सिर्फ मैं चलता रह गया यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। अभी मैं पचपड़वा से होके आया हूँ, गया था मतलब हमारी एक सिस्टर है तो उनको देखने गया था, वो काफ़ी बीमार थी। दुआ करिए आप लोग भी कि मतलब वो जल्दी से सेहतयाब हो जाए, ठीक हो जाए। तो आज की वीडियो हमारी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे आगे बढ़ाएं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए